हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे आप सारे लोग? आशा उम्मीद करते हैं आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और हमारे नए ब्लॉग में। और अभी मैं घर पे हूँ क्योंकि मैं सुबह घर पे आया था। और क्यों आया था? क्योंकि रश्मि की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनको घर छोड़ने आए, फिर निकलेंगे नोएडा, तो दिखाएंगे आप लोगों को। अभी अब तो रश्मि ही जाएंगी ब्लॉग में, अभी तो नहीं आएंगी फ़िलहाल। ये हैं, सामने देख रही होंगी आपको। तो अभी ये 2-3 महीने बाद ही जाएंगे, अब समथिंग 2 या 3 महीने बाद जाएंगे। तो अभी मैं अकेले निकलूँगा नोएडा के लिए, और बाद बाकी ये अभी ब्लॉक में या शॉर्ट्स में कभी नहीं आएंगे, अभी कभी नहीं, मतलब 2-4 महीने के लिए। हालत देखो कैसी हो गई है। देख लो कैसी हालत हो गई आप लोग। तो अभी इनको बेड रेस्ट बताया डॉक्टर ने, तो इसलिए इनको गांव छोड़ रहे हैं। और अभी घर छोड़ने के बाद उसके बाद निकलेंगे नोएडा के लिए। तो अभी थोड़ा धूप ज़्यादा है, अभी समथिंग दोपहर के 1 बज रहा है। तो अभी निकलेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद निकलते हैं। समथिंग 3, 3:30, 4 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो ठंडे में आराम से पहुँचने की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अभी टाइम भी हो गया है निकलने का, थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, दिख रहा है आपको। तो अभी निकलते हैं, टाइम हो गया, टाइम दिखा रहे हैं आपको। अभी टाइम भी हो चुका है, 3:30 होने वाले हैं, तो हम भी निकलते हैं। फिर रश्मि रश्मि को थोड़ा आराम मिलते ही तुरंत झाड़ू मारना स्टार्ट। तो निकलते हैं फिर घर से। लड़ा, जल्दी लड़ा यार। ये खड़ी अपनी गाड़ी, चलते हैं फिर। ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है हमारे गांव की, नए लोग अक्सर गाड़ियां तोड़ लेते हैं। तो अभी गांव से बाहर निकल लिए हैं, तो मिलते हैं आप लोगों को फिर रास्ते में। गाजियाबाद 200 किलोमीटर। तो भैया सुबह के बज चुके हैं 5, सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी तक हम नोएडा नहीं पहुंचे। नोएडा पहुंचने का रीज़न ये है कि शाम को एक दोस्त मिल गया, तो उसके यहाँ दावत थी, तो वहाँ चले गए 8, तो वहाँ समथिंग मुझे 8:09 बज चुके थे। और 9 बजने के बाद फिर मैं वहाँ से 8 से निकला, मुझे आ रही थी नींद आ रही थी,
तो मैं आगे ना जेवर वाले होटल पे आके मैं सो गया। मैं अभी वहाँ से निकले हैं तो अभी मैं रास्ता दिखाता हूँ। अभी मैं वहाँ से निकला हूँ, मुझे लग जाएगा 40-45 मिनट लग जाएगा पहुँचने में। देखो टाइम तो आपको दिख रहा ही होगा, 5:28 और मैं इधर पहुँच रहा हूँ, यमुना एक्सप्रेस पे भी चल रहा हूँ अभी। समथिंग 24-25 किलोमीटर और 8 आपको नोएडा बचा है, 25 किलोमीटर उसके बाद पहुँचते हैं हम नोएडा। काफ़ी समय लग गया इस बार। भैया यात्रा हमारी भी ख़त्म होने वाली है और हम पहुंचने वाले हैं नोएडा। नोएडा पहुंचने वाले हैं, अब रूम पे तो खैर मुश्किल ही जाएंगे, जाएंगे भी रूम पे तो दिखाएंगे आपको। अभी एक्सप्रेस वे से हम उतरने वाले हैं और नोएडा में एंटर कर चुके हैं। सामने दिख रहा है नोएडा का गड्ढा है, सामने नोएडा हिट नोएडा का गड्ढा जो आपको शायद दिख रहा होगा बोर्ड में, मुझे तो अभी नहीं दिखेगा, अब पास होने तो तब दिखेगा। सुबह का मौसम बहुत अच्छा रहता है। देखिए नोएडा दिल्ली के लिए लेफ्ट हो जाइए, मरीजों के लिए वैसे दोस्तों मुझे भी नोएडा ही जाना है और मैं नोएडा में ही रहता हूँ। अभी मुझे परीचा के पास जा रहा हूँ कि वहाँ थोड़ा मेरा काम है और फिर वहाँ से फिर जाऊँगा नोएडा। बने रही हमारे ब्लॉग में, और हाँ जो भी लोग हमारे ब्लॉग में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सप्रेस वे की यात्रा ख़त्म हो चुकी है, अब नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे आ गया हूँ नीचे। तो दोस्त फाइनली हम रूम पर पहुंच चुके हैं और नहा धो के रेडी हो गए और अब करेंगे रेस्ट। तो वीडियो को हम एंड करते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।